नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर में किसान आंदोलन को तेज करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने की योजना बन चुकी है। ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्रों को 4 जोन में बांटकर अभियान चलाने का निर्णय हुआ है। इस अभियान के तहत गांव-गांव में चौपाल लगाने का निर्णय हुआ है। साथ ही रायरू फार्म मुराद क्षेत्र के किसान नेताओं की बैठक सम्पन्न हुई। इसके साथ साथ ग्राम निरावली में भी चौपाल लगाई गई। ज्ञात हो कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के अवसर पर देशव्यापी भारत बचाओ दिवस मनाने का आह्वान किया गया है। इस क्रम में ग्वालियर में साड़ा क्षेत्र, ग्वालियर ग्रामीण, मुरार ग्रामीण और गिरवाई क्षेत्र में अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के जरिए तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग प्रमुखता के साथ की जाएगी। इसके साथ साथ ही डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की किल्लत, मनरेगा में भ्रष्टाचार, खाद बीज की कालाबाजारी, बीरपुर एवं लकेजा बांध तथा मुरार नई नहर में हस्ती का पानी छोड़ने, तिगरा डैम के ओवरफ्लो का पानी तिगरा नदी में नहर में छोड़ने जैसी मांगों को भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है। बॉर्डरों पर 8 महीने से विगत से जो आंदोलन चल रहा है, लेकिन भाजपा सरकार किसी तरह की उनकी सुन नहीं रही है, तो आज परिस्थिति वो बन गई है जिस तरह से आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने उपवास रख के धरना प्रदर्शन इत्यादि करके बहुत प्रयास किया कि यहाँ से अंग्रेज शासन छोड़कर चले जाएं, परंतु उन्होंने इतना ज्यादती की, इतना परेशान किया, तो उन्होंने भी एक नारा दिया था करो मरो का, तथा 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो एक आंदोलन की प्रारंभ किया था। तो आज मोदी सरकार द्वारा इसी तरह किसानों के साथ इतना अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, उसके विरोध स्वरूप आज ये स्थिति बनती जा रही है। लोगों की जासूसी करा रहे हैं, किसानों का दमन कर रहे हैं, रोजगार छात्रों का नुकसान कर रहे हैं, तो आज स्थिति उसी तरह बन चुकी है जैसी जो अंग्रेजों के शासनकाल में थी। इसलिए आज सभी लोगों ने ये तय किया है कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर बेईमानों भारत छोड़ो आंदोलन को